झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में गुंडों की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि बगैर किसी खौफ के एक विवाह घर में जाकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए होटल के कर्मचारियों को जब गुंडों का मन नहीं भरा तो होटल मालिक अपने कर्मचारियों को घर छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में गुंडों ने रोक कर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई व दोनों पक्षों को पुलिस उठा कर ले गई, जो गुंडों ने दबंगई करते हुए होटल के अंदर होटल मालिक के साथ व कर्मचारियों के साथ खुलेआम मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार जो सारी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने बताया कि वह मेरे ही मोहल्ले के कुछ लड़के थे जो इस घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए हुए थे। इस घटना को देखकर मुझे डर व भय से रहना पड़ रहा है। सर, मऊरानीपुर में एक विवाह घर में दो पक्ष लड़ रहे, क्या मामला पूरा होगा? नहीं, अभी तक जानकारी में आया है कि थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में एक विवाह घर में आपस में ये दो पक्ष किसी गलतफहमी में हाथापाई लड़ाई झगड़ा कर लिए थे। फिलहाल थाने सूचना मिली, शांति व्यवस्था कायम की गई और उसमें आगे जांच प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये क्या घटना हुई है आपके साथ में? ये हम, मेरा नाम राजकुमार है और बबलू मिस्त्री, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हूँ। मेरी डेकोरेशन की लाइट सजावट का काम है। हम यहाँ परसों रात को यहाँ मैरिज पार्टी थी, तो उसमें गुप्ता परिवार की शादी थी। वो हम जैसे ही यहाँ पर रात को 11 बजे करीब आए देखने के लिए, तो अंदर देखा तो लड़के उदम कर रहे थे ग्राउंड में। तो हमने देखा ये हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, तो उनसे हमने बात की, क्यों भाई उदम क्यों कर रहे हो? तो वो झगड़ने लगे, फिर यहाँ आके मालिक को गाली गलौज करने लगे। फिर वो लड़कियों के बीच में उदम कर रहे थे, हमने उनको रोका तो वो हमसे झगड़ने लगे। फिर यहाँ आके रिसेप्शन पे, फिर उनने लड़कियों को बुलाया और रिसेप्शन पे हमारे साथ मारपीट की, और मारपीट का सारा वीडियो हमारे सीसीटीवी फुटेज में है।